Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about on the previous year, especially 2018 year's numerical solution. Question ye hai ki prepare a suitable cropping scheme for B sector rain feed farming located at 8 km from a city. A cropping scheme banwana padega B sector ki जो कि ना 8 किलोमीटर दूरी में है सिटी से, ओके। और ये भी निकालना पड़ेगा कि ऑल्सो द कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ दिस फार्म, ठीक है। उसी फार्म की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगा वो भी निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि क्रॉपिंग स्कीम बनवाना पड़ेगा बी सेक्टर खेती के ऊपर, ओके। सॉल्यूशन टू प्रिपेयर ए क्रॉपिंग स्कीम फॉर बी सेक्टर पेडी क्रॉप, ओके। प्रोसेस टोटल और ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू है बी सेक्टर और 9% एरिया इज यूज टू बिल्ड चैनल रोड बिल्डिंग ड्रेनेज ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे 9% इसीलिए लिया गया क्योंकि 16 से 25 हेक्टर के बीच में अगर कोई भी खेती की क्रॉपिंग स्कीम बनवाना पड़े तो हम वहाँ से हम लोग मतलब चैनल रोड बिल्डिंग बनवाने में कितना ये करना पड़ेगा, एरिया को काम में लगाना लेआउट करना पड़ेगा 9%, ओके। तो इसीलिए 9% कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 1.8 हेक्टर एरिया क्या होगा उसमें चैनल इरीगेशन चैनल रोड बिल्डिंग और इरीगेशन और ड्रेनेज चैनल ये सब कुछ बनेगा उसमें, ठीक है। अब देखो नीट कल्टिवेटेड एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, तो फिर 20 माइनस 1.8 हेक्टर माइनस कर दो कितना आएगा 18.2 हेक्टर, ओके। अब ये 18.2 हेक्टर के ऊपर ही हम लोग क्रॉपिंग स्कीम बनवाएंगे, ओके। अब देखो सिलेक्शन ऑफ दिस क्रॉप, यहाँ पे छः क्रॉप को लिया गया, खरीफ क्रॉप ये सारी है, खरीफ क्रॉप ये सारा है, रबी क्रॉप ये सारा और जायद क्रॉप ये सारा, ओके। अब देखो प्लॉट वाइज ऑल क्रॉप्स कल्टीवेशन, ठीक है। प्लॉट वाइज यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, प्लॉट नंबर भी दे दिया और इधर से हेक्टर एरिया दे दिया। मान लो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप ये तीनों क्रॉप मिला के कितना एरिया में हम कल्टीवेशन करेंगे 4.5, ये तीनों मिला के कितना करेंगे 3 हेक्टर, ये तीनों मिला के कितना करेंगे 2.5 हेक्टर, ऐसी करके टोटल कितना कल्टीवेशन करेंगे 18.2 हेक्टर क्रॉप एरिया इन हेक्टर। अब अलग अलग क्रॉप को कितना हेक्टर में हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, जैसे मान लो खरीफ क्रॉप के अंदर जो पैडी क्रॉप लिया था वो कितना कल्टीवेशन करेंगे 4.5, वीट करेंगे 3.5 और मेज का आ जाएगा तुम्हारा 18.2 और रबी क्रॉप का भी सारे टोटल आएगा 20 हेक्टर और ये भी सारा आ जाएगा 19 हेक्टर। अब ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 50 ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 57.2 हेक्टर। अब देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल कल्टिवेटेड एरिया बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100 इज इक्वल टू 57.2 अपॉन 18.2 इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आया 314.28%, ओके। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना आएगा 314.28%। आंसर द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ दिस 50 हेक्टर पैडी क्रॉप इज इक्वल टू 314.28, ये है आंसर। और इसी आंसर को हम लोग ये भी कह सकता हूँ कि ये एक टाइप की इंटेंसिव क्रॉपिंग इंटेंसिव मतलब क्रॉपिंग स्कीम। इंटेंसिव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये है तुम्हारा मोर देन 250% से भी ज़्यादा है, और अगर 250% से अगर कम हो तो इसको हम लोग एक्सटेंसिव। दूसरा और एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ द आर्थवर्क टू बी लेबल्ड ए फील्ड ऑफ 250 मीटर लॉन्ग एंड 175 मीटर विड इन सैंडी लोम सॉइल हैविंग ए स्लोप ऑफ 2.5% along the weed is to be leveled. The rate of the earthwork for leveling is 45 rupees per cubic meter. Okay. तो यहाँ पे given data में क्या दे दिया कि ऐसा एक हमारा मतलब calculation करना पड़ेगा earthwork की, जहाँ पे ये सारी data दे दिया कि field size है 250 into 175 meter square, slope है 2.5% toward the length and आर्थवर्क रेट कितना है 45 रुपया पर मीटर क्यूब एरिया में, ओके। अब देखो कैलकुलेशन वी नो द आर्थवर्क फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/8 BLW मीटर क्यूब। तो नाउ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू 2.5% टुवर्ड द लेंथ मीटर में। तो लेंथ कितना था 200 मीटर था, तो कितना निकल आएगा यहाँ पे 5 मीटर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू 1/8 BLW मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/8 इंटू 5 इंटू
250 × 175 m² इजिकल टू निकालेगा तुम्हारा 27,343.75 m³। अतएव टोटल अमाउंट ऑफ द अर्थवर्क फील्ड इजिकल टू कितना खर्चा होगा, तो इसी एरिया के हिसाब से कितना रुपये पर मीटर क्यूब हिसाब से खर्चा होगा, 45 रुपया पर मीटर क्यूब के हिसाब से कितना खर्चा होगा टोटल इजिकल टू आएगा तुम्हारा, मल्टीपल कर दो इसको, मल्टीपल करने में आएगा तुम्हारा 123,04,68.75 रुपीज़। ओके अब देखो आंसर ये है, द टोटल अमाउंट ऑफ दिस अर्थवर्क फील्ड इजिकल टू 123,04,68.75 रुपीज़। ओके ये है एक आंसर, दूसरा और एक हमारा 27,343.75 मीटर क्यूब।